हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स बडी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही बड़ा अपडेट आया है गाइस। जो भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं गाइस, आप लोग कर सकते हो यहाँ पे गाइस। मास्टर्स डिग्री जो भी कर रहे हैं फ्यूचर में या करने वाले हैं गाइस, उनके लिए स्कॉलरशिप आई है गाइस। जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप और जेएन रतन टाटा जी की स्कॉलरशिप गाइस सभी के लिए आई है, और इनकी डेडलाइन पर्टिकुलर है, तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा वीडियो को, इसलिए आखिरी तक देखना गाइस। जिनको भी अप्लाई करना है आप कर सकते हो, बहुत ही बेसिक फॉर्म है गाइस। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे फीस पे नहीं करनी है, बेसिक सा फॉर्म है। आपको सब अपनी डिटेल्स स्किल्स वगैरह मेंशन करने हैं। अगर आपके स्किल्स सब मेंशन अच्छे से क्लियर उनको लग रहे हैं भाई कि इस बंदे को देनी चाहिए स्कॉलरशिप, तो गाइस आपको डायरेक्टली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाली गाइस, आप प्रॉपर स्टेप्स देखना कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, मैं बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। बडी फॉर स्टडी गाइस बहुत ही ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। इसमें 100+ स्कॉलरशिप्स, जॉब अपॉर्चुनिटी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी बहुत सारी गाइस डेली बेसिस पे आती रहती है। तो आज इनकी तरफ से गाइस स्कॉलरशिप आई है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की है और रतन टाटा जी की है, जो मैं आपको नेक्स्ट इंटरफेस में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते गाइस, तो इसमें आपको बस बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। ऑलरेडी मैंने बडी फॉर स्टडी का वीडियो बना चुका है, 2-3 बार बनाया है, तो आप वो डायरेक्टली देख सकते हो गाइस। आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, द कॉमर्स बडी आप सर्च करोगे वहां पे गाइस, आपको प्लेलिस्ट में स्कॉलरशिप वाले सेक्शन में चले जाना है, तो आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हो। प्लस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं हो। प्लस अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो आज का अपन वीडियो देखते गाइस, आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल स्कॉलरशिप फॉर 2022 स्टूडेंट्स गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली किसके लिए है गाइस, जो कि मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं। मास्टर्स डिग्री मतलब जो पीएचडी, जो भी गाइस आप इसका टीचर बनना चाहते हो फ्यूचर में, या आप कोई भी मास्टर्स डिग्री कर रहे हो गाइस, उनके लिए बेसिकली स्कॉलरशिप है। रीजन आप इंडिया देख सकते हो गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेडलाइन की बात कर ले तो आपको दिया है 31 मई 2022, और गाइस स्कॉलरशिप में गाइस आपको 18,000 रुपीज दिए जाएंगे पर मंथ, और कुछ अलग से बेनिफिट भी होने वाले, वो अपन देखते क्या क्या है। तो डेडलाइन आपको देखने गाइस 31 मई है, और आज है गाइस 22 अप्रैल। तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना, आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, लास्ट टाइम के भरोसे मत रहना। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर आपको दिया गया है जवाहरलाल नेहरू स्कॉलरशिप, जो है बेसिकली ये इनिशिएटिव लिया गया है गाइस, मेमोरियल फंड फॉर पीएचडी डिग्री स्टूडेंट्स, जो भी पीएचडी करने का सोच रहे हैं गाइस, ये इंडियन नेशनल्स के लिए और नेशनल्स ऑफ अदर एशियन कंट्रीज के लिए गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर आपको दिया गया है, द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल रिसीव अ मेंटेनेंस अलाउंस इंक्लूडिंग अ ट्यूशन फीस ऑफ 18,000 पर मंथ एंड अ कंटिंजेंट फीस ऑफ 15,000 पर एनम फॉर स्टडी एंड टूर्स विद इन इंडिया। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो आपको 18,000 रुपीज तो पर मंथ दिए ही जाएंगे, प्लस आपको गाइस 15,000 दिए जाएंगे अगर आपको कहीं पे भी ट्रेवल करना है, और ये गाइस आपको एक ही बार दे जाएंगे। ये वाले जो है आपके 15,000, ये आपको ईयर में एक बार दिए जाएंगे, बट जो 18,000 है ये आपको हर मंथ मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। तो आप 15,000 जो आपको नेक्स्ट मिल रहे हैं ईयर में एक बार, इसका गाइस आप नॉर्मली टूर्स वगैरह कर सकते हो इंडिया के कहीं कोई भी रीजन में गाइस। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दो बेनिफिट मेजर बेनिफिट दिए जा रहे हैं गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी के लिए गाइस आपकी एज 35 ईयर्स के नीचे होनी चाहिए, पहली चीज। सेकेंड चीज गाइस, हैव अ फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एट बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स। तो गाइस जिनका जिनका ग्रेजुएशन हो गया है ना, तो जिनका ग्रेजुएशन हो गया उनके गाइस 60% के ऊपर होने चाहिए, और जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया है एंड नाउ दे आर अप्लाइंग फॉर पीएचडी, तो उनके भी गाइस 60% के ऊपर होने चाहिए। अगर गाइस आप अभी पीएचडी कर रहे हो तो फिर आपका गाइस अंडर ग्रेजुएशन में आपके 60% इक्विवेलेंट माने जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको याद रखना है, बी ऑलरेडी रजिस्टर्ड एडमिटेड फॉर पीएचडी डिग्री। तो गाइस ये भी आपका लिखा आप देख सकते हो, आप पीएचडी डिग्री इस साल करने वाले हो या आपकी कंप्लीट हो गई है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और बी ए फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर। ऐसा नहीं गाइस आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हो, मतलब गाइस स्टेट दूसरा है और आप वहां से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। आप उसी सिटी से बिलोंग करने चाहिए जिस सिटी में आपका कॉलेज है, इस बात का आपको याद रखना, ठीक है। फिर गाइस आप देख सकते हैं बेनिफिट्स की बात कर ले, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो मेंटेनेंस अलाउंस इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, जो कि मैंने आपको बताई दिया, 18,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे। फिर एक्सपेंसिस टूर्स के लिए आपको दिए जाएंगे,
गाइस जो कि 15,000 पर मंथ है, पर एनम, सॉरी पर एनम है गाइस, जिसमें गाइस आप बुक्स स्टेशनरी वगैरह भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आप कहीं घूमने चले जाओ इंडिया में कहीं पे भी गाइस, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले गाइस, आप क्या क्या चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो गाइस सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए पड़ेगी, एक नॉर्मल फोटोग्राफ आपको देनी है गाइस। फिर आपको गाइस सिनॉप्सिस ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट एज पर द अटैच्ड फॉर्मेट, तो गाइस आपको ये यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट मतलब गाइस जो आप ऑलरेडी अपने कॉलेज लेवल में बनाए हुए हो, तो वो सब गाइस आपको एक कुछ भी प्रपोज्ड प्रोजेक्ट बनाने के उनको सबमिट करना है। डॉक्टरल मॉनिटरिंग कमिटीज रिपोर्ट और सुपरविजन कमिटी एंड रिकमेंडेशन, कोई भी आपके प्रोफेसर जो भी यूनिवर्सिटी में है उनने आपको रिकमेंड किया है, तो उनका एक लेटर आपको लगेगा कि भाई ये चाहते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। फिर पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट ऑफ INR 100, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको एक डिमांड ड्राफ्ट रेडी करना पड़ेगा, तो डिमांड ड्राफ्ट गाइस आप सर्च कर सकते हो कैसे बनाते, तो डिमांड ड्राफ्ट गाइस मतलब एक एग्रीमेंट मान लो आप, तो एग्रीमेंट गाइस आपको 100 रुपीज का एक बनाना पड़ेगा। और PhD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, PhD गाइस जिस भी आप कॉलेज से कर रहे हो या आपका कंप्लीट हो गया उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये बेसिक स्टेप्स है गाइस, जिनको भी अप्लाई करना है आप डायरेक्टली कर सकते हो। और फिर आप देख सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेडलाइन मैंने आपको बताई दी है, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन सबमिटेड डिटेल्स, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे गाइस उनको वेरीफाई किया जाएगा, अगर वेरीफाई करने के बाद वो सही है तो गाइस आपको डायरेक्टली सिलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो स्कॉलरशिप इज अवेलेबल फॉर 2 years, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 साल की आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है। द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड हैव नॉट येट रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो गाइस जिन्होंने 31 मई के बाद रजिस्ट्रेशन किया गाइस वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर इनकम्प्लीट या अनसाइंड फॉर्म है, आपने कोई भी आधा अधूरा फॉर्म भरा इनकम्प्लीट है, वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। द सिलेक्शन कमिटी डिसीजन टू कॉल अ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू और सिलेक्ट अ कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप विल बी फाइनल एंड नो रिप्रेजेंटेशन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन, तो गाइस जो भी कमिटी का सिलेक्शन क्राइटेरिया होएगा वो अपन को नहीं पता है, वो उनके बेसिस पे गाइस, तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। द फंड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिलेज इन रीचिंग द एप्लीकेशन बाय द ड्यू डेट, 31 मई तक पहुंच अगर आपने नहीं किया अप्लाई उसके बाद गाइस आप करोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं मिलने वाली स्कॉलरशिप, ठीक है। इसलिए आपको पहले कर देना है अप्लाई स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपको जैसे कोई भी डाउट वगैरह है तो इन्होंने गाइस प्रॉपर एड्रेस दिया है, अगर आप न्यू दिल्ली में रहते हो तो डायरेक्टली आप वहां पे जा सकते हो, ये आपको प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा। अगर आप न्यू दिल्ली के बाहर रहते हो गाइस तो आप डायरेक्टली इस मोबाइल नंबर भी कॉल कर सकते हो, ईमेल आईडी में भी, अगर आपको कोई भी डाउट है इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड गाइस। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो प्रॉपर मैंने आपको हर चीज बता दी है कैसे क्या करना है, तो अपन देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है गाइस। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई नाउ का, नहीं तो फिर गाइस आप नीचे करोगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, इसको गाइस आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, या तो आप मोबाइल नंबर से साइन इन कर लो, या तो जीमेल अकाउंट से कर लो, या तो ईमेल आईडी। तो और अगर गाइस आपके पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो आपको ये क्लिक करना है। जैसे गाइस आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइस आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर आपको डाल देना अपना, वो अलग डालना गाइस जो कि आपका प्राइमरी नंबर है व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देनी गाइस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके गाइस रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे गाइस आप रजिस्ट्रेशन कर लो फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन करके आप डायरेक्टली स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे आपका एड्रेस, फिर आपको वही जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स क्योंकि जिसमें आपके पैसे आने वाले हैं गाइस, हर चीज गाइस आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हो। ये हमारी थी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप गाइस। आप अपन नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते गाइस, जो कि GN रतन टाटा जी की तरफ से गाइस स्कॉलरशिप फेलो प्रोग्राम है। तो इसमें भी बेसिकली गाइस आप देखोगे तो इसमें भी गाइस आपको यंग साइंटिस्ट टीचर्स या रिसर्चर्स जो कि गाइस मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री कुछ भी हो सकती है, या तो आप MBA कर रहे हो, MCOM कर रहे हो, या फिर आप अगर MTech कर रहे हो, कुछ भी गाइस कर रहे हो, MCA वगैरह कर रहे हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डेडलाइन गाइस आप इसकी देख सकते हो जो कि है 15 मई 2022। तो गाइस डेडलाइन आपको बता दी मैंने, इसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली टाटा स्कॉलरशिप जो है फेलोशिप, ये नेशनल साइंस एकेडमी की तरफ से दी जा रही है फॉर यंग टीचर्स साइंटिस्ट रिसर्चर्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो आपकी एज गाइस बी द बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए गाइस। सेकेंड आप देख सकते हो
बी अ यंग साइंटिस्ट टीचर रिसर्चर फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड टू अंडरटेक रिसर्च स्टडीज. जो भी गाइस रिसर्च वर्क करते हैं, रिसर्च स्टडीज वगैरह करते हैं, वो लोग यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. possesses doctorate or master's degree in science or equivalent degree in engineering, medicine and allied disciplines. तो गाइस कोई भी आपकी इंजीनियरिंग फील्ड से हो, मेडिसिन है या कोई भी इक्विवेलेंट है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. जिसमें गाइस आपका मास्टर्स डिग्री हो रहा है या पीएचडी डिग्री हो रही है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. और आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है गाइस. तो ये एक बेसिक चीजें हैं गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो आपके पास होना नेसेसरी है. यहाँ पे अपन बेनिफिट्स की बात कर ले गाइस, तो आप देख सकते हो द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल रिसीव रिटर्न ईयर फेयर from place of work in their home country to place of work in India, boarding and lodging at the different affiliated institutions and an adequate allowance in Indian currency to cover incidental expenses. तो यहाँ पे guys आपको travelling allowances free दिए जाएंगे, plus यहाँ पे आपको कोई भी उनकी country की currency में आपको प्रॉपर यहाँ पे करेंसी दी जाएगी. तो ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा. बहुत ही बेनिफिट है गाइस, आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करना है बिना कुछ खर्चे के गाइस, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी. अगर आप गाइस अब सिलेक्ट हो जाते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले गाइस, तो आपको डिटेल्ड करिकुलम सीवी कंटेनिंग आपको गाइस डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस, फिर गाइस आपको ये सब बेसिक चीजें देनी पड़ेगी, अपनी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, फिर ब्रीफ राइटअप डिस्क्राइबिंग द प्रपोज्ड रिसर्च वर्क. जो भी आपने रिसर्च वर्क किया है गाइस, उसका एक प्रॉपर राइटअप देना पड़ेगा. टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी है गाइस आपको, कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट फॉर द हाइएस्ट क्वालिफिकेशन और लेटर ऑफ कंसेंट फ्रॉम द प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन एंड अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द होस्ट इंस्टीट्यूशन. तो गाइस आप पेरेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप, जिस भी बड़ी इंस्टीट्यूशन में हो आप गाइस, जैसे लेट सपोज आप गाइस भोपाल की कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो गाइस, ठीक है, तो भोपाल की यूनिवर्सिटी में गाइस आप पढ़ रहे हो, तो भोपाल का कॉलेज जो रहेगा वो आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन रहेगा. और जो RDVV, RGPV, जो भी बड़ी यूनिवर्सिटी जिनके अंदर वो कॉलेज आता है, उसका गाइस आपको कंसेंट चाहिए, जो कि पेरेंट इंस्टीट्यूशन में गिना जाएगा. तो इनके गाइस आपको सर्टिफिकेट बना के उनको सेंड करने पड़ेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक फंडा है. यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एड्रेस पे पहुंच सकते हो, पूछ सकते हो, नहीं तो फिर गाइस आप डायरेक्टली ईमेल आईडी पे भी उनको मैसेज कर सकते हो. तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है. टर्म्स एंड कंडीशंस गाइस देख लेते क्या है. एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्डेड बाय एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. द सिलेक्टेड कैंडिडेट मस्ट बी ऑब्टेन इंडियन वीसा गाइस आपके पास होना जरूरी है. नो एप्लीकेशन बियॉन्ड द डेडलाइन विल बी एक्सेप्टेड. 15 मई के बाद गाइस अप्लाई करोगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. अबाउट 10 फेलोशिप्स आर प्रोवाइडेड एनुअली. तो गाइस यहाँ पे ये लोग 10 टोटल फेलोशिप्स देने वाले हैं, मतलब 10 लोग सिलेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे गाइस. और मैक्सिमम प्राइस ऑफ अवार्ड विल बी फॉर 3 मंथ्स. तो गाइस ये 3 महीने की आपको स्कॉलरशिप है, मतलब आप 3 महीने इंडिया से या इंडिया के बाहर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस. तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी गाइस. यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल प्रोसेस है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है. 3 ऑप्शन आएंगे. अगर आपको डायरेक्टली जीमेल से करना कर लो, मोबाइल नंबर से, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन करके गाइस डायरेक्टली यहाँ पे अकाउंट बना के आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. तो गाइस जिनको भी अप्लाई करना जीएन रतन टाटा जी की स्कॉलरशिप में और जवाहरलाल नेहरू जी की स्कॉलरशिप में, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर कर देना गाइस. और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन मतलब बेल आइकन को भी प्रेस कर देना. तो आज के लिए अपन इतनी रखते हैं गाइस, गुड बाय, मिलते हैं, बाय बाय.